हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका वोकेबलरी की एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज सीखेंगे कुछ और नए नए वर्ड्स। देख रहे हैं आप नए नए वर्ड्स, कुछ सुने होंगे आपने, कुछ पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डर्थ। डर्थ वर्ड बना है डियर प्लस टी एच। इसका ओरिजिन क्या है? डियर प्लस टी एच। तो डियर कौन होता है? जो सबसे प्यारा होता है हमारे लिए, कॉस्टली होता है और या प्रीशियस होता है। कॉस्टली या प्रीशियस होता है, तो जो कॉस्टली या प्रीशियस होते हैं हमारे लिए, वो आदमी ज़्यादा होते हैं कम होते हैं? कम होते हैं, उनकी कमी होती है, स्कार्सिटी होती है। कमी क्या होती है? स्कार्सिटी बोलते हैं कमी को, तो उनकी स्कार्सिटी होती है। तो डर्थ क्या होती है? स्कार्सिटी या कमी। डर्थ क्या होती है? स्कार्सिटी या कमी। ठीक है, अगला वर्ड है आर्डवस। क्या वर्ड है? आर्डवस। आर्डवस लेटिन आर्डू से आया है। इसका होता है स्टीप और हाई। स्टीप मतलब खड़ी ढलान वाला, और हाई मतलब बिल्कुल ऊंचाई पे। तो ऐसी जगह जो खड़ी ढलान वाली होगी या बहुत ऊंचाई पे होगी, उस पर पहुँचना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना, कठिन होगा। तो आर्डवस का मतलब भी होता है कठिन, टफ, हार्ड। आर्डवस का मतलब होता है टफ, हार्ड। ठीक है, अगला वर्ड है अबेट। ये आया है, इसका मतलब जो होता है लैटिन में होता है टू बीट। बीट से आया कहीं ना कहीं, बेट। ठीक है, तो टू बीट। टू बीट मतलब किसी चीज़ के असर को बीट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना या बहुत कम कर देना। अब वेट क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत शून्य कर देना या समाप्त कर देना। अब वेट। अगला वर्ड है एडमेंट। क्या वर्ड है? एडमेंट। एडमेंट जो वर्ड है ग्रीक भाषा में यूज़ होता था ऐसी चीज़ों के लिए जो बहुत हार्ड होती है, जैसे डायमंड हो गया या स्टील। तो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता था एडमेंट वर्ड, जो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें होती थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता था? एडमेंट। तो एडमेंट क्या होता है? अटल। तो जिसको, जिसने एक बार जो इरादा बना लिया अपना, अटल है उसके इरादे पे, उसको फिर अपने हिसाब से चलाना या उसके ऊपर कोई प्रभाव डालना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या होगा? एडमेंट मतलब अटल। एडमेंट क्या होता है? अटल। ठीक है, अगला वर्ड है एम्बियंस। क्या वर्ड है? एम्बियंस। एम्बियंस आया है लेटिन एम्बियंट से। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स। तो एम्बियंस क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण या माहौल भी बोल सकते हैं दूसरी साइंस में बोले तो। एम्बियंस क्या होता है? हमारा वातावरण या माहौल। ठीक है, अगला वर्ड है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन, को का मतलब है टुगेदर, और ये आया है ल्यूडेयर से लैटिन। इसका मतलब होता है टू प्ले। तो कॉल्यूजन होता है मिलीभगत। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि टू जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीति की पार्टीज, तो आपस में हमें तो लगता है कि वो अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ ऐसी कहानी रचते हैं कि जिससे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उस केस में उनकी क्या होती है? वो मिलीभगत। हमें लगता है कि वो अलग है, लेकिन अंदर से वो कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं या कोई ऐसा मुद्दा फेंक देते हैं, मतलब मुद्दा फेंक देंगे कोई भी जिसमें उन्हें लगेगा कि वो है अलग, लेकिन अंदर से वो मिले हुए हैं। तो उन दोनों की क्या होगी उसमें? मिली भगत, कोल्यूजन। ठीक है, बंदों को पता नहीं लगेगा क्योंकि बंदे सोचते हैं कि वो आपस में तो इनकी बनती नहीं है, लेकिन अंदर से कोई चाल चल दें। ठीक है, तो टुगेदर मिलके कोई चाल चलना वाला टू प्ले। तो टुगेदर मिलके कोई चाल चलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब मिली भगत। कोलेस, ठीक है, कोलेस, को अगेन टुगेदर, और एलेयर का मतलब होता है
ग्रो। तो कोवलेस या कोअलिशन सुना होगा आपने, तो कोवलेस का मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, साथ में बढ़ना या सम्मिलित हो जाना या मिल जाना। ठीक है, तो कोवलेस क्या होगा, टू ग्रो टुगेदर, जैसे टीम में लोग होते हैं ना, तो टीम ऑफ विद भी बोलते हैं इसको। टीम में लोग क्या होते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, तो कोवलेस क्या होता है, साथ में बढ़ना या मिलना। ठीक है, अगला वर्ड है एक्सप्लिसिट। क्या वर्ड है, एक्सप्लिसिट। एक्स मतलब आउट, एक्स किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, आउट। मैंने काफ़ी जो पिछले वीडियोस बनाए हैं उनमें काफ़ी ये जो हैं जो प्रीफिक्स वगैरह इनका काफ़ी बताया है कि इसका मतलब एक्स का क्या होता है या को का मतलब क्या होता है। तो वहाँ से भी आपको अगर रेगुलर आप फॉलो करोगे मेरे वीडियोस को तो आपको समझ आ जाएगा उसमें। ठीक है, एक्स मतलब आउट, और ये है लेटिन प्लेकेयर से, इसका मतलब होता है फोल्ड, इसका मतलब होता है फोल्ड। तो आउट ऑफ फोल्ड या अनफोल्ड, ठीक है, एक्चुअली मतलब आउट ऑफ फोल्ड या अनफोल्ड, या मतलब क्लियर है बिल्कुल, मतलब फोल्ड नहीं है उसमें कोई, उसमें कोई वेगनेस नहीं है, अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ फोल्ड है वो, एक्सप्लेन वे में सबके सामने है, एक्सप्लेन वे में। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट, एक्सप्लिसिट क्या होता है, स्पष्ट। अगला वर्ड है इम्प्लिसिट। इम मतलब इन, इम यहाँ यूज हुआ है इनके लिए, और प्लेकेयर के मतलब होता है अगेन फोल्ड। तो इम्प्लिसिट जो भी चीज़ होगी वो हुई तो स्पष्ट, लेकिन किसी को इम्प्लाई कर रही होगी, मतलब डायरेक्ट नहीं होगी वो, इनडायरेक्टली किसी के लिए बोला जा रहा होगा, और जिसके लिए बोला जा रहा होगा उसको पता है कि मेरे को ही बोला जा रहा है, उसके लिए वो स्पष्ट है, लेकिन मतलब परोक्ष रूप से कह सकते हैं, प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने से नहीं, परोक्ष रूप से उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट क्या होता है, परोक्ष रूप से स्पष्ट। ठीक है, अगला वर्ड है इनसेन। इन जो है यहाँ पे एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है, एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है, और सेन आया है सेनस से, सेनस, सेनस का होता है लेटिन में हेल्थ। तो जिसकी हेल्थ ठीक ना हो, जिसकी हेल्थ रही ठीक ना हो, उसको क्या बोलेंगे, इनसेन। क्या बोलेंगे, इनसेन। लेकिन इसमें जो हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ नहीं, वो मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ जिसकी ठीक नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, इनसेन। इनसेन का जो साइनोनिम है वो मैड भी होगा या मैनिएक। ठीक है, तो जो पागल होगा उसको क्या बोलेंगे, इनसेन। जो मेंटली ईल होगा, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनसेन। तो ये वर्ड देखे आपने, नए होंगे वर्ड अब तो, अच्छा लगा आपको सीख के, इनको समझ आया क्यों यूज़ होते थे वर्ड, या उनकी कहानी क्या है इनके पीछे। ठीक है, तो मिलेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही नए नए वर्ड्स लेके, तब तक के लिए थैंक यू।